नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 6 सितंबर 2021 और यहां पे 7 सितंबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी, साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले हम लोग मेटल इंडेक्स को देखेंगे। देखिए, मैं मैक्सिमम स्टॉक के आंसर्स आप लोगों के लिए कर देता हूं ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो स्टॉक छूट जाते हैं वो अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर डाल देता हूँ, हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस के रूप में आप वहां देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी, निफ्टी का भी वीडियो उसी बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे मिलता है, प्रोवाइड होता है। तो फिलहाल हम यहां पे क्या देख रहे हैं, 5800 के ऊपर मेटल। आज मेटल सेक्टर थोड़ा साइडवेज जोन में था, 5800 के ऊपर अगर ये निकल गया तो आपको एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेटल सेक्टर में तेज़ी के मूवमेंट देखेंगे। APL अपोलो से अगर स्टार्ट करें हम लोग अपसाइड में, तो देखते हैं क्या 1720 का एक रेजिस्टेंस जोन है। 1720 के ऊपर निकलने वाला जो टारगेट है वो 1850, मेरा फाइनल टारगेट इसमें 1845 रुपये का है APL अपोलो में शॉर्ट टर्म कॉल में। अडानी इंटरप्राइजेज देखिए 1% की तेज़ी रही और शानदार तरीके से ऊपर 1629, हालांकि तेज़ी बहुत ज़्यादा थी लेकिन होल्ड नहीं कर पाया 1600 के लेवल को। 1600 के ऊपर दोबारा निकलेगा, 1625 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया 146 के पास ट्रेड कर रहा है, 148 का इम्पोर्टेंट लेवल है 158 का। अगर ये 158 के ऊपर 148 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे तो 152 तक के टारगेट आपको कोल इंडिया में मिलेगा। हिंडालको की बात करें, 470 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है हिंडालको में। अप साइड में जाने के लिए हिंडालको बिल्कुल तैयार खड़ा है, 2.25% की तेज़ी रही और अभी हिंडालको 475 का एक रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। 475 के लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको टारगेट 480-490 तक के टारगेट दिखा सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक बिल्कुल मेरा पोजिशनल कॉल एक्टिवेट है, 325 के बाद 335 के टारगेट के लिए हम लोग बिल्कुल इसको होल्ड करके लेके चल सकते हैं। JSW स्टील की बात करें तो 686 के आसपास ट्रेड हो रहा है JSW स्टील, और JSW स्टील में कम से कम जो लेवल आएंगे अपसाइड में, JSW स्टील दोस्तों जब तक 700 के ऊपर नहीं निकलेगा कोई पोजिशन मत बनाइएगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि जिस दिन ये 700 के ऊपर निकल गया ये आपको बहुत तेज़ी से 720 और 740 तक के टारगेट दिखाएगा JSW स्टील। तो नज़र ज़रूर बना के रखिए JSW स्टील पे। JSW स्टील के अलावा आगे बढ़े और जिंदल स्टील की बात करेंगे तो जिंदल स्टील 390 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छे तरीके से। जिंदल स्टील 400 के ऊपर निकलने के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा दोस्तों, 400 के बाद 410 420 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। मोइल की बात करें, मोइल 175.75 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है और इसने देखिए आज का हाई 181.82 रुपये के आसपास में इसमें 181 रुपये का हाई लगा है। मुझे क्लोजिंग चाहिए 178 की, 178 के ऊपर क्लोज हो गया तो ये और भी पोजिशन अच्छा बढ़िया मिलेगा, 184 से 186 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है। NMDC 153.65 रुपये के आसपास ट्रेडिंग चल रही है, इसकी क्लोजिंग चल रही है और इसको ऊपर जाने के लिए NMDC ऊपर की तरफ जब तक 158 के ऊपर नहीं निकले दोस्तों तब तक कोई भी पोजिशन नहीं बनाइएगा। 158 के ऊपर निकलने के बाद 164-168 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है NMDC। NMDC के अलावा आगे जो स्टॉक है उसका नाम है नेशनल एल्युमिनियम। तो चलिए नेशनल एल्युमिनियम के साथ स्टार्ट करें, 99.20 रुपये की क्लोजिंग और अपना सारा कंप्लीट कर चुका है टारगेट शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से नेशनल एल्युमिनियम ऊपर की तरफ में शो। अब मुझे कम से कम क्लोजिंग चाहिए 100 रुपये के ऊपर, 101-102 के ऊपर की क्लोजिंग अगर कर दे तो इसने जो सारे टारगेट डन किए उसको सस्टेन कर लेगा अच्छे से और फिर ये 105 से 110 तक के टारगेट अपसाइड में दिखा सकता है। इसके अलावा रत्नामणि मेटल्स की बात करें तो रत्नामणि मेटल 2117 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। रत्नामणि मेटल्स 2175-2180 के ऊपर जाने के बाद नया लेवल 2200 दिखाया, लेकिन मैंने आपको बोला कि इसको 2200 के ऊपर ही पोजीशन बनाइएगा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि 2160 और 80 के ऊपर भी ये मूवमेंट करेगा लेकिन 2200 के ऊपर शानदार तरीके से मूवमेंट करेगा 2250 के लिए। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 121.45 रुपये के आसपास में ट्रेडिंग चल रहा है, तो चलिए चेक करें 125 इसके लेवल मैंने पहले ही बताया, 125 के ऊपर निकलने के बाद 128 और 130 तक के टारगेट आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलेगा। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील 1437 के आसपास कंटिन्यू डाउन में ही आ रहा था टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील 1450 के ऊपर निकलेगा दोस्तों तो 1480
1500 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। वेदांता की बात करें 315 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है वेदांता में, और इसके ऊपर जाने के लिए वेदांता दोस्तों 320 के ऊपर निकलने के बाद आपको 340 तक के टारगेट एक रेजिस्टेंस मिल सकता है इसको 320 के पास। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है 320 से आपको नीचे के लेवल दिखा दे, लेकिन अगर ये 320 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर गया तो ये 340 तक के टारगेट वेदांता आपको दिखा देगा। इसके अलावा वेदांता के बाद ब्लिस्टफ्रंट कॉर्प की बात करें तो 122 से 23 के ऊपर जब तक ब्लिस्टफ्रंट कॉर्प नहीं निकले तब तक हमें कोई पोजीशन नहीं बनाना। 122 23 के ऊपर 128 का टारगेट देगा, नीचे गिर गया अगर 114 के नीचे तो 110 तक के इंटरडे टारगेट भी आपको ब्लिस्टफ्रंट कॉर्प दिखा सकता है। अब चलेंगे दोस्तों मेटल के बाद फार्मा स्टॉक्स की तरफ में, और फार्मा में सबसे पहले हम लोग फार्मा इंडेक्स को बात करें। अब ये फार्मा इंडेक्स पहले देख ले, 14600 के ऊपर निकलने बाद नई तेजी फार्मा इंडेक्स में आपको देखने को। ठीक है, और अगर ये नीचे गिर जाता है 14400 के नीचे तो कमज़ोर हो जाएगा फिर फार्मा में, तब स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस हिसाब से अगर हम लोग ऑरो फार्मा को पकड़ के चलें तो अरविंदो फार्मा का जो लेवल आ रहा है मैं इसको एक्चुअली यहाँ पे दिखाऊंगा। फार्मा अरविंदो फार्मा है ना, ऑरो फार्मा जी, अरविंदो फार्मा 760 के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छा पोजीशन दिखाएगा। 760 के ऊपर अगर अरविंदो फार्मा निकलता है तो आपको 780 तक के टारगेट बहुत तेज़ी से ऑरो फार्मा देखने को बनेगा। इसके अलावा अगर बात करें अरविंदो फार्मा के अलावा तो जो आएगा वो आएगा अजंता फार्मा। अजंता फार्मा देखिए, अगर ये नीचे की साइड में 2190 के नीचे गिर गया तो कमज़ोर हो जाएगा, 2150 का टारगेट देगा, ऊपर 2250 को ब्रेक करेगा 2300 तक के टारगेट दिखाएगा। एलकम की बात करें तो एलकम 3900 के ऊपर निकले और बेस्ट पोजिशन बनेगा 4000 के टारगेट के लिए, और 3800 के नीचे निकलता है सेल करेंगे 3700 के टारगेट के लिए। बायोकॉन की बात करें तो देखिए बायोकॉन में कहीं कोई अभी पोजिशन ऐसा है नहीं कि हमें यहाँ पे बनाने की जल्दबाजी करना है। बायोकॉन में 370 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसके ऊपर सस्टेनेबल स्टार्टिंग करता है ये क्लोजिंग स्टार्ट करे तो 380 से 390 का टारगेट आपको दिखाएगा। कैडला हेल्थ केयर की बात करें 560 के ऊपर कैडला निकलेगा जैसे 580 का टारगेट देगा। सिप्ला की बात करें 960 के ऊपर निकलने बाद एक बेहतरीन मूवमेंट 980 के टारगेट के लिए रेडी हो जाएगा। डिवीज लैब एक ही जोन पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों हाई पर, अगर ये किसी तरह से 5270 5275 5280 अगर ब्रेक करता है तो 5300 5320 के टारगेट दिखाएगा, और अगर ये नीचे के साइड में ब्रेक करता है 5100 के राउंड नंबर को तो फिर 5000 तक के टारगेट दिखा देगा। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो देखिए डॉक्टर रेड्डी ने आज का हाई 4943 का दिया है, यानी यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नीचे 4870 के नीचे गिर गया तो सेल करेंगे 4800 के टारगेट के लिए, ऊपर की तरफ 4950 के ऊपर निकल गया 5000 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। लूपिन 1000 का एक रेजिस्टेंस जोन इसको मिल सकता है, 1000 के ऊपर जाने में थोड़ा इसको तकलीफ हो सकता है, लेकिन 1000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 1020 1040 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। सन फार्मा की बात करें 800 के ऊपर निकलने के बाद सन फार्मा आपको 820 से 840 के टारगेट मिल सकता है, लेकिन अगर ये किसी कारण 778 को नीचे ब्रेक करता है तो 770 का इनडायरेक्ट टारगेट दिखाएगा। टोरेंट फार्मा 3200 के ऊपर निकला 3250 से 3300 के टारगेट। स्ट्राइड फार्मा बहुत ही शानदार तरीके से 620 के आसपास में होल्ड कर रहा है, 620 के ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर 640 के टारगेट भी बहुत तेज़ी से दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें कम से कम 545 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए, देन 560 का टारगेट। वोकट फार्मा की बात करें तो वोकट फार्मा में 430 के ऊपर निकलने पर 440 से 50 तक के टारगेट बनेंगे। इसके अलावा कुछ स्टॉक हैं जैसे दोस्तों एस्ट्राजेनिका, इस पर चेक कर लेते हैं एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका में अगर कम से कम 3250 के लेवल 3250 का एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इसको ब्रेक कर गया 3300-3400 तक के टारगेट आपको एस्ट्राजेनिका में भी आगे आने वाले समय में बन सकता है। एस्ट्राजेनिका के अलावा कुछ स्टॉक्स हैं, मैं उसका नाम देख लूँ पहले, टोरेंट फार्मा वो करूँगा, नोवार्टिस, ग्रीनवर्स, डॉक्टर लाल पैथलैब, चलिए चेक कर लेते हैं। लाल पैथलैब है ना,
या लाल पैथला 4200, 4200 का एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है दोस्तों। 4200 के ऊपर निकलने के बाद 4200, 50 और 4300 के टारगेट, और अगर किसी कारण बस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो कि 4050 के आसपास आ रहा है उसको ब्रेक डाउन नीचे करता है तो 4000 तक के टारगेट आपको सेल साइड में दिखा सकता है डॉक्टर लाल पैथलेब। नोवार्टिस की बात करते हैं तो नोवार्टिस यहाँ पर हमारे पास नोवार्टिस नहीं है तो नोवार्टिस को हमें यहाँ से देखना होगा, और नोवार्टिस का जो लेवल आ रहा है 880 के ऊपर नोवार्टिस अगर निकलता है तो 900-920 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। इसके अलावा ग्रेनवल्स इंडिया की बात करें तो ग्रेनवल्स इंडिया 333 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, शायद ग्रेनवल्स का चार्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ देख लेता हूँ ग्रेनवल्स, या ग्रेनवल्स के चार्ट यहाँ आ गया, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ऐड सेलेक्टेड ग्रेनवल्स इंडिया हो गया, फार्म में डाल दिया। ग्रेनवल्स इंडिया 330 के नीचे जाने पर कमजोरी का एहसास हो जाएगा, लेकिन अगर ये 340 के ऊपर निकलता है 350 से 60 के टारगेट दे सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक ये 350 के ऊपर क्लोज नहीं करे तो आप छोड़ दीजिएगा, 350 के ऊपर क्लोज करेगा तभी ये एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखा सकता है ग्रेनवल्स इंडिया। एस्ट्राजेनिका को भी मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, मैं इसमें ऐड कर लिया, चलिए और कर दिया। तो निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस हो गए, अब चलेंगे आईटी स्टॉक्स की तरफ, और आईटी स्टॉक्स में बिरला सॉफ्ट से पहले स्टार्ट कर लेंगे, और बिरला सॉफ्ट में बात करें आईटी में, यहाँ बिरला सॉफ्ट, चल बिरला सॉफ्ट में दोस्तों 420 का लेवल याद रखिएगा, 420 के ऊपर निकलने के बाद आपको 430-440 के टारगेट देखने को मिलेंगे बिरला सॉफ्ट में। तो ये आपको मैंने बिरला सॉफ्ट यहाँ पर बता दिया, अब चलते हैं यहाँ पर SCL Tech से स्टार्ट करें, तो SCL Tech ने आज जो मूवमेंट किया है शानदार मूवमेंट किया, मतलब शानदार जिसको कहते हैं शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद टाइप का। तो अब ये 1140 से आप 1140 को छोड़ देते 1160 का रेंज पकड़ सकते, 1160 से 1190 के रेंज में घूम रहा था, आज उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, 1208 रुपये तक का हाई लगा दिया। तो अब यहाँ पर कल अगर ये 1210 के ऊपर निकलता है तो 1220 से 1225 तक के भी टारगेट आपको इंट्राडे में ही देखने, अगर ये कल 1210 के ऊपर निकलता है तो 1230 तक के मुझे उम्मीद है कि आपको अपसाइड में मूवमेंट दिखा सकता है। इसके अलावा SCL Tech के अलावा अगर इन्फोसिस की बात करें तो इसने भी आज अच्छा मूवमेंट किया, और मुझे लग रहा है इन्फोसिस अभी और भी ऊपर जाने के चांसेस बना सकता है, क्योंकि इन्फोसिस ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लग रहा है ये फ्लैग पैटर्न अभी आपको और भी अपसाइड के मूवमेंट दिखा सकता है, 1750 तक के टारगेट इन्फोसिस में देखने को आपको मिलेंगे। इन्फोसिस के अलावा अगर बात करें टाटा इलेक्सी का तो टाटा इलेक्सी अभी कहीं गया नहीं है, टाटा इलेक्सी में जाने के चांस बनेंगे 4970-75-80, इसके ऊपर अगर ये निकले तो 5100 के टारगेट बनेंगे, और नीचे अगर ये 4800 को ब्रेक करता है तो 4750 से 4700 तक का टारगेट दिखाएगा। माइंडट्री देखिए शानदार अपसाइड में जा रहा है, रैली चलते चले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3850 के ऊपर अगर निकलता है तो 3900-3950 तक के टारगेट माइंडट्री दिखाएगा। विप्रो ने आज दिल खुश कर दिया, यकीन मानिए विप्रो ने आज बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट किया है, और जिस प्राइस के लायक ये था, जिस प्राइस के लायक पिछले 4 साल से मैं इसको देख रहा था, जिस प्राइस के ये लायक था, आज उस प्राइस के आसपास ये पहुंच गया, 700 का प्राइस, 700 का प्राइस, मार्केट ने इसको उतना कभी रिस्पेक्ट किया नहीं आईटी में विप्रो को, लेकिन आज ये विप्रो अब अपने रुतबा को हासिल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आज 5% की तेज़ी थी, कल भी अगर तेज़ी बनती है 690 के ऊपर निकलता है तो 700 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो विप्रो के बाद आगे बढ़े और टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा में भी ब्रेकआउट आने के पूरे चांस बन रहे हैं, ऊपर की साइड में अगर टेक महिंद्रा 1670 को ब्रेक करे तो नेक्स्ट टारगेट आपको 1500 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे टेक महिंद्रा में। तो नज़र बना के आप टेक महिंद्रा पे भी चल सकते हैं दोस्तों, एक अच्छा मोमेंट में फंसा हुआ है। TCS की बात करें, TCS अगर ऊपर 3882 तो 3882-83 को ब्रेक करें तो 3900 तक के टारगेट बन सकते हैं, 3810 के नीचे अगर आता है तो फिर 3750 तक के टारगेट आपको सेल साइड में दिखाएगा। कोफोर्ज की बात करें, देखिए कोफोर्ज किस तरह से अपने आप को होल्ड कर रहा है, ऊपर की साइड में 5330 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 5400 तक के टारगेट आपको मिलेगा। नौकरी यानी इन्फो एज बहुत ही शानदार 6300 तक के इसने हाई लगाया है अपसाइड में, अब ये नया लेवल हमें तभी मिलेगा जब ये 6300 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब 6400 और 6500 तक के टारगेट। देखने को मिलेंगे
LTI की बात करें तो LTI भी देखिए किस तरह से इसको कहते हैं खड़ा चार्ट, कौन सा चार्ट, खड़ा चार्ट, इतना खड़ा चार्ट में ये टिक नहीं सकता, ये लाख कोशिश कर ले इसको एक बार थोड़ा कर्व तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्व किए ये इस तरह से नहीं जा सकता इसका, क्योंकि अगर इस तरह से जाएगा तो फिर ये अपने पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल से इसको नीचे की साइड में 5200 के लेवल, 5300 के लेवल एक बार इसको टच करना चाहिए, देन ऊपर भागेगा। 5500 के ऊपर अगर निकलता है तो 5600-5700 के टारगेट। एम्फासिस की बात करें तो एम्फासिस ने ब्रेकआउट किया है अपसाइड में और शानदार तरीके से 3000 के लेवल को डन कर दिया, 3035 के ऊपर निकलेगा तो 3100 के टारगेट मिलेंगे। जस्ट डायल 1000 के ऊपर निकलने के बाद 1020 और 1040 तक के टारगेट बनेंगे। इसके अलावा अगर कोई छूटा है तो मैं एक बार चेक कर लेता, हैप्पीएस्ट माइंडसेट छूटा है, इसकी बात एक बार कर ले। हैप्पीएस्ट माइंडसेट मैंने कहा तो 1450 का 1500 के टारगेट, 1500 का तो डन कर गया, 1520 के ऊपर निकलेगा तो 1540 से 1560 तक के टारगेट हैप्पीएस्ट माइंडसेट में देखने को मिलेगा। अब चलेंगे दोस्तों निफ्टी फार्मा के बाद आईटी स्टॉक्स, और आईटी में अब हम जरा फाइनेंशियल स्टॉक्स को देखते हैं। मेटल के बाद फार्मा हो गया, फार्मा के बाद आईटी हो गया, आईटी के बाद फाइनेंशियल स्टॉक, जिसमें बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करेंगे। अब ये ऊपर की साइड में बजाज फिनसर्व ब्रेक करता है 16900, अब ये मेरे ख्याल से तब पोजीशन बनाने में मज़ा आएगा जब ये 17000 के ऊपर निकलेगा। अभी छोड़ दीजिए, 17000 के ऊपर निकलेगा बजाज फिनसर्व तब पोजीशन बनेगा 17500 के टारगेट के लिए। नीचे अगर 16600 के नीचे गिरता है तो 16000 तक के लेवल आपको सेल साइड में दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करें 7600 के ऊपर निकलेगा आप 7700 का टारगेट, नीचे अगर ये 7450 को ब्रेक करेगा तो 7400-7350 तक के टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। चोला फाइनेंस की बात करें, चोला फाइनेंस देखिए 600 का हाई लगा चुका है लेकिन फिलहाल ट्रेड कर रहा है 570 के पास, 590 की क्लोजिंग चाहिए, देन 620 के टारगेट बनेंगे। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस अप साइड में जाने के लिए इंडिया बुल हाउसिंग फंड 240 के ऊपर निकले हुए पोजिशन बनेगा, 245 से 250 का टारगेट। LNTFH एन LNT फाइनेंस की बात करें, अगर ये 84 के पास, मैंने इसके बारे में कहा था 92 के ऊपर जाने के बाद ये बेहतरीन मूवमेंट दिखाएगा, 92 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा कमजोर रहेगा, लेकिन नियर मगर 86 को ब्रेक करेगा तो 88 का टारगेट दिखाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस 410 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद 415 से 420 के टारगेट देखने को मिलेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस में। 400 के नीचे अगर ये आता है तो 390 तक का टारगेट दिखाएगा। देखिए चार्ट अभी सामने में आया नहीं है, मैंने डिटेल बता दिया आपको, ठीक है, तो डिटेल वही है। M&M फाइनेंस की बात कर लें, M&M फाइनेंस ऊपर लेवल टारगेट डन हो गया, 175 वाला टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये नेक्स्ट टारगेट देगा जब ये 175 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तब 180 से 85 तक के टारगेट बनेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं है, 3-5 ईयर्स पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, इस पर बाय ऑन डीप की रणनीति अपनाते हुए आप इसको पोजिशन बना के मन्नापुरम फाइनेंस में चल सकते हैं। तो मन्नापुरम फाइनेंस पर पोजिशनल व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू, पोर्टफोलियो स्टॉक्स। मुथूट कैप 430 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे। मुथूट फाइनेंस 1540 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजिशन करेंगे और 1560-1580 के टारगेट के लिए। ऐसा ट्रांसफिन की बात करें तो टारगेट 1380 वाला ऑलरेडी डन हो चुका है, 1380 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो 1400-1420 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।